में लक्सर और खानपुर में करीब 1.5 लाख मतदाता 21 दिसंबर को जिला पंचायत की 9 सीटों के सहित ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और BDC उम्मीदवार तय करेंगे। वही होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग एवं पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। हमारे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी हैं, उनका प्रथम चरण का ट्रेनिंग जिला स्तर पर पूर्ण की जा चुकी है। कल 19 तारीख को जाएगी। परसों सुबह मतपत्र और जो गोपनीय सामग्री है उसके साथ, जिसमें मतपेटी, मतपेटी की सील के अलावा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंडल के कोने कोने से प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि के तौर पर CN सिंह, MLC प्रदेश अतिथि बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को बड़ी नहर के पास से हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम शामली बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बाइक को चुरा कर उसमें प्रेस लिखवाने वर्तमान में ये हलालपुर गांव थाना कोतवाली देहात में रह रहा था और इसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और इसका अमले का करने का या फिर उनको भेज देता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक कोटद्वार पहुंचकर कोतवाली में जनपद के थाना अध्यक्षों के साथ पुलिस अधीक्षक के लिए प्रशासन का पूरा फोकस कोटद्वार पर रहेगा। कहा है कि कोटद्वार का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण कोटद्वार में आपराधिक तत्वों का आना जाना अधिक होता है। मेरे जो कोटद्वार में बुलाया है, ये मेरा तीसरा सैनिक सम्मेलन है यहाँ पर। इसमें जो फोकस है, जो आगामी जो ठंड में जिस तरीके जो अपराध का जो है होते हैं।
करने में फोकस किया है। साथ साथ जितने भी पेंडिंग विवेचनाएं हैं और जो भी जांचें हैं इनके संबंध में भी इनको दिशा छात्रों ने बार शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वही घटना की जानकारी होते ही जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहां की छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फीस ज्यादा ली है और बैठते नहीं, कार्यालय में कुछ इस तरह के आपत्तियां हैं जिनकी जांच एडीएम तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सेना में तैनात जवान को दो बदमाशों ने गोली मारकर बाइक लूट कर फरार हो गए हैं। घायल सैनिक की हालत नाजुक बताई जा रही है जिसे उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें सैनिक मोटरसाइकिल में शादी का कैसेट बनवाने के लिए जा रहा था तभी बदमाशों ने ओवरटेक करने के चक्कर में गोली मारकर बाइक लूट कर आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। घर से वो कैसेट बनाने के लिए शादी का, ठीक है, वहाँ चला तो हम स्टेशन पर थे तो स्टेशन पर सूचना मिली कि किसी का मतलब से बाइक छीन गई है और बाइक छीने बाद ये नहीं पता था कि कितने थे और कितने कौन गोली मारा था ये कोई पता नहीं। मथुरा के जिला कारागार में नशों का सामान पहुंचाने का प्रयास करते समय पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से करीब 26 ग्राम चरस और 358 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपी का नाम शंकर बताया जा रहा है कि आरोपी जेल में बंद अपने दो भाइयों को हरी मिर्च में छुपाकर चरस देने गया था। आरोपी के दोनों भाई संजय और अशोक हत्या के मामले में लंबे समय से जिला जेल में चरस भागने का प्रयास किया लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची थाना सरदार पुलिस युवक को थाने ले गई। पूछताछ के दौरान बताया कि जेल में बंद होके उसके दोनों भाई नशों के आदि थे। वहीं का बड़ी हरी कि जेल थे। ये एक्चुअल में थाना सेलगढ़ के अंतर्गत ये रहने वाले हैं। इनके भाई 302 में बंद हैं जेल में। ये जेल में मिर्च में चरस डाल करके और फिर उसको फेविकोल से बंद करके वहाँ पर सप्लाई करते थे और साथ ही साथ गांजा वगैरह खुद अपने यूज के लिए करते थे। तो वहाँ पर पुलिस रूटीन चेकिंग में जेल के आसपास गई थी। हमारे SSI सदर बाजार विपिन कुमार गए के ऊपर देखा कि इसमें मर्चा भी मिला, मर्चे की देखा तो उसमें चरस भरा हुआ था। तो इस तरह से ये जेल में मर्चे आदि में भर करके सप्लाई करता था और उसके कहता था कि हमारे भाई इसको यूज करते हैं और इस तरह से इस पर तत्काल इस पर गिरफ्तारी करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। ये चूँकि जो है ये मर्चे के रूप में देता था तो इसलिए अभी इसका आकलन कराया जा रहा है और इसकी पूरी छानबीन कराई जा रही है कि कितने दिन से काम कर रहा था और किस तरह से कितनी मात्रा में अभी तक ये काम किया। किस तरह ले जाते थे जेल में अफीम और चरस? मिर्च में ले जाते थे। कैसे रखते थे मिर्च में, क्या करते थे? पूरा मिर्च को फाड़ के लेते थे। फिर क्या, कैसे उसे बांध पैक कैसे करते थे? ये सुनो, एक बार में चरस
सर पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? सर ने मतलब जेल में ले जा रहा था गांजा, और मिर्च में ले जा रहा था, तो मेरे भाई अंदर उसमें देख, मिर्च में क्या वर्क ले जा रहे थे? गांजा ले जा रहा था, वो ले जा रहा था चस, मेरे भाई वहां पर देखते हैं उसे। किस तरह ले जाते थे मिर्च? कौन सी मिर्च है और कैसे भरते थे? सर ये हरी मिर्च थी, उनमें मैं फाड़ के ले जा रहा था, एल बी तक चपका था। वहाँ भाई क्या करते हैं? भाई अंदर बेचते हैं सर। कितनी बार कर चुके हैं सर? पहली बार हुआ है सर, पहली बार भाई कायम बंद है। किस मामले बंद है भाई? भाई 302 में बंद है सर, 2012 से। 2012 से जो तब से आप तक लाखों रुपए कमा लिए होगा? नहीं सर, मैं पहली बार ले गया था अभी आज। नहीं तुम्हें क्या मालूम है सर? जब मेरे भाई ने कहा था, मेरे भाई ने बोला था कि सर ले जाना। प्रदेश में राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2015 का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है, जिसमें कई जिलों के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में सहारनपुर की टीम ने सबसे ज्यादा मेडलों का जीत कर कब्जा किया, तो वहीं मुजफ्फरनगर की टीम ने रनअप बनने का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें प्रदेश भर से कई जिलों ने लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो वहीं मुजफ्फरनगर की टीम ने रनअप बनने का खिताब अपने नाम किया। समापन पर उत्तर प्रदेश किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव अनुराग श्रीवास्तव, बीएम कश्यप, लाल धर्मेंद्र प्रताप ने बीजेपी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।